आप मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मुझसे क्या गलती हुई है, कम से कम इतना तो बता दो। तुमसे कोई खता नहीं हुई है, शायद मुझसे और आलिया से ही हुई है। अपनी शौहर की कब्र पर गए मुझे तकरीबन एक साल हो रहा है। मैंने इब्राहिम से बात की है, वो ले जाएगा हमें, फिर वापसी में हम किसी अच्छी जगह पे घूमने चले जाएंगे। अच्छा, तो सेमिनार के लिए स्पीच अभी लिखी जा रही है? नहीं नहीं लिख तो मैंने कल ही ली थी, बस लास्ट मिनट इम्प्रोवाइज कर रही हूँ। अच्छा, वेल और सुनाओ, वो एक्सीडेंट वाली लड़की कैसी है? वो तो ठीक है, लेकिन अरे हस्बैंड को पता नहीं क्या हो गया, कुछ उखड़ा उखड़ा सा रवैया है, समझ नहीं आ रही क्या हुआ है अचानक। ऐसा तो नहीं कि इब्राहिम भाई किसी किस्म के नशे में इन्वॉल्व हो? अरे नहीं भाई, इब्राहिम और ड्रग्स नो वे। वैसे इब्राहिम भाई के रवैये में तब्दीली का ताल्लुक उस लड़की से भी तो हो सकता है, क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में? हाँ हो सकता है, से कुछ दिनों से उस लड़की के साथ बहुत बदखलाकी से पेश आ रहा है, कुछ अजीब सा बिहेवियर है। लेकिन आलिया, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो यकीनन उसकी कोई वजह होगी, बिला वजह तो कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता ना। हाँ तो वही वजह तो मैं जानना चाहती हूँ। तो उनसे बात करो, पूछो उनसे क्या वजह है, शायद वो कुछ बता दें। बहुत बार पूछा है भाई, बताते ही नहीं। मेरे जहन में एक और बात भी आ रही है। क्या? हो सकता है उन्हें मारूख के बारे में किसी नई बात का पता चला हो और वो तुम्हें ना बताना चाहते हो। मसलन? मसलन कोई भी ऐसी बात जो वो तुमसे छुपाना चाहते हो। हाँ आलिया। हेलो इब्राहिम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वो तुम्हें मुझे ना सेमिनार से पिक करना होगा, साइमा के साथ मैं चली तो जाऊंगी लेकिन वो वापसी में मुझे ड्रॉप नहीं कर सकती। मगर तुमने तो कहा था कि तुम घर वापस खुद चली जाओगी। हाँ कहा तो था, लेकिन साइमा को कहीं और जाना है सेमिनार के बाद, तो इसलिए तुम्हें ही पिक करना पड़ेगा, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें पिक कर लूं। ओके थैंक यू। ओके चाहती हूँ कि आप पार्क और कब्रिस्तान जाने से पहले थोड़ा आराम कर लें। नहीं बेटा, मेरी फिक्र नहीं करो, मैं कर लूंगी आराम। बच्चे क्या कर रहे हैं? आयान कंप्यूटर पे खेल रहा है और हिजाब सो रही। एक बात कहूँ अगर आप बुरा नहीं मानेंगी तो? नहीं बेटा कहो। आलिया को चलना चाहिए था आज हमारे साथ। जाना तो इब्राहिम को भी चाहिए था, मेरा बेटा तो वो है ना, फिर मैं आलिया से शिकायत क्यों करूं? इब्राहिम ने ही मना कर दिया।
हो सकता है इब्राहिम साहब आ जाएं। सबके सामने मना किया है उसने, वो नहीं आएगा। मैं सोचती हूँ कि आजकल मेरी नमाजें भी कजा हो रही, कुरान भी नहीं पढ़ पा रही, शायद इसी वजह से मेरी औलाद नाफरमान हो गई है। अब आज से मैं अपनी इबादत पर तवज्जो दूंगी। मुझे पूरा यकीन है वो आएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। आपकी औलाद बहुत फरमा बरदार है और आपसे बहुत मोहब्बत भी करती है। आप बिला वजह बदगुमान हो रही है। नहीं बेटा, मैं उनसे बदगुमान नहीं हूँ और ना कभी हो सकती हूँ। ठीक कह रही हो, सोचियो आराम ही कर लू थोड़ा। तुम नहीं करोगी आराम? मैं फ्रेश हूँ। ये हमदानी साहब मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा है? फरखंदा जरा मेरे रूम में आइएगा प्लीज। थैंक यू। जी प्लीज कम इन। फरखंदा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हमदानी साहब मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं? मैं जानती हूँ, लेकिन आप किसी को ना बताने का वादा करें तो मैं आपको बता सकती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो इसलिए आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक महीने तक आपकी सूरत और आपकी आवाज सुनना नहीं चाहते, और ये बात मैंने अपने कानों से खुद सुनी है। एक महीने तक? क्यों, क्या मतलब? वो सब तो मैं नहीं जानती, जितना मैं जानती थी मैंने आपको बता दिया। या शायद मुझे लगता है सलमान साहब वाले प्रोजेक्ट की वजह से। इसी सिलसिले में मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आप कम से कम मेरा मैसेज तो उन तक पहुंचा सकती हैं ना? जी, वो तो मैं पहुंचा दूंगी, लेकिन आपको अपना वादा याद रखना होगा। मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो नहीं बताऊंगा। यू कैन गो नाउ। फरखंदा, एक सेकेंड, मैं निकल रहा हूँ। अगर कोई पूछे तो उनसे कह दीजिएगा आई एम ऑफ फॉर द डे। ठीक है? ठीक है। ये आखिर फवाद को क्या हो रहा है? क्या बात है उसे जो इतना बेचैन कर रही है? कहीं ऑफिस में मेरी पोजीशन की वजह से तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा होता तो नजर आ जाता। कुछ तो ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा मगर हो रहा है। कहीं किसी दूसरी औरत का चक्कर? लेकिन अगर कोई दूसरी औरत होती तो नजर तो आती।
मोहब्बत करते हैं वो मुझसे, वो भी बेपनाह। अगर ऐसा कुछ भी होता तो डिस्कस करते हैं मुझसे। अगर वो डिस्कस नहीं कर रहे तो मैं तो कर सकती हूँ। क्या हुआ है आपको? सुबह से ये वक्त हो गया, आप मेरे कैबिन में भी नहीं आए, लंच टाइम पे ऑफिस में भी नहीं थे आप। हाँ, भूख नहीं थी। क्या हुआ आपकी भूख? ब्रेकफास्ट करके भी तो नहीं आए घर से। मैं ठीक हूँ। नहीं, आप ठीक नहीं है। बाद में बात करें, ऑफिस है, काम कर लेते हैं। बॉस है ना आप। ठीक है, बाद में बात करते हैं। जी भाईजान, कैसे हैं? मैं तो तेरी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूं। तो ये बता, तेरे साले को क्या हुआ? क्या हुआ? किसको? फवाद को? क्या हुआ उसे? हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। कल रात वो सड़क पर ऐसे टहल रहा था जैसे पार्क में टहल रहा हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी के ब्रेक लग गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। रियली? नहीं यार, आर यू श्योर कि वो फवाद ही था? हाँ हाँ, मेरी उससे बात हुई। जब मैंने से पूछा, हाँ भाई किधर, तो कहने लगा सड़क पे टहलने निकला। टहलने? हैरत है यार। मुझे ये बता, ये कहीं कोई नशा वशा तो नहीं करने लगा? नहीं यार, क्या हो गया है? आई गेस मियां बीवी का आपस में कोई झगड़ा हो गया होगा। वैसे उन दोनों को देखकर लगता तो नहीं है कि उनका किसी भी बात पे झगड़ा हो भी सकता है। इब्राहिम, हम हर इंसान के बारे में सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना वो हमें जानने की इजाजत देता है। आजकल के दौर में तो हर इंसान अपना चेहरा कई झूठ के पर्दों के पीछे छुपाए रहा। हाँ, एग्री विद यू, ठीक कह रहे हो। चल ठीक है, थैंक्स यार, मैं देख लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय। टहलने, वो भी रात के 2 बजे। यहां बैठ जाओ। अब गौर से सुन लो, अगर वहां जाने के बाद आप दोनों आपस में लड़े या मेरी और अम्मी की बात नहीं माने तो हम आपको वहीं छोड़ाएंगे, और फिर वो कहानियों वाली जादूगरनी आएगी और आपको ले जाएगी। सुन लिया आप लोगों ने आने की बात? बस अभी कैब वाला आएगा, मुझे फोन करेगा, बस फिर हम निकलते हैं। हाँ बेटा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बस हम आ रहे हैं, तुम्हारे बाबा आए लेने। चल yes. जल्दी से आ जाओ। चलो चलो, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। आपने बहुत अच्छा करा जो आप आ गए। हाँ पापा, आयो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम लोग टैक्सी में आते ना तो इतना मजा नहीं आता जितना हमारी गाड़ी में आता है। हाँ, अगर मामा भी होते हैं तो बहुत मजा आता। हाँ बात तो ठीक है। वैसे बेटा तुम बिना वजह आ गए, हम लोग आराम से टैक्सी पे आ जाते। अम्मी, मुझे आपकी और बच्चों की फिक्र थी,
पापा जब हम लोग कब्रिस्तान से वापसी में आ रहे होंगे तो किसी अच्छी जगह पे चलेंगे। हाँ पापा, हाँ जो ठीक कह रही है। चलो ठीक है, चलो अल्लाह का शुक्र किसी बात पे तो मुत्तफिक हुए तुम दोनों। आज मैं आप लोगों को पार्क लेके चलता हूँ और वहाँ हम बहुत सारा टाइम गुजारेंगे। ओके ये पापा जिंदाबाद। पापा जिंदाबाद। हेलो आलिया। हाँ इब्राहिम। कितनी देर में पहुंच जाओगे? सेमिनार बस खत्म होने वाला है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यार मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ सकूंगा, तुम एक काम करो राइड बुक करा के घर पहुंच जाओ। क्यों, ऐसा क्या हुआ है, क्यों नहीं आ सकते? मैं अम्मी और बच्चों के साथ आया हुआ हूँ, उनको पहले कब्रिस्तान लेकर गया था और अब पार्क ले आया हूँ। लेकिन तुमने तो जाने से इनकार कर दिया था, फिर तुम उनके साथ कैसे चले गए? यार मुझे अम्मी और बच्चों की फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने उनके साथ जाना पसंद किया। अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने क्यों पसंद किया उनके साथ जाना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी इब्राहिम। आलिया तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम मुझे हेलो आलिया फोन रख दिया यार, क्या हो गया ऐसे? एंजॉय तो करेंगे। हिजाब, बेटा भाई को मजबूती से पकड़ कर बैठना, गिर ना जाए कहीं। अरे दादो अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं नहीं गिरूंगा। दादो आप फिक्र मत करें, आनी बस आती होंगी टिकट लेके। नहीं वह कहाँ गई मारो। हाँ तो चलो। अरे अयान हिजाब सुनो बेटा, पकड़ लेना भाई को। सुनते क्यों नहीं है मेरी बात? हिजाब क्या हुआ अम्मी, कहाँ ले गई थी तुम? वो रश था बहुत। देखो सुनते नहीं है मेरी। हिजाब आयान। जी आनी। क्यों तंग कर रहे हो दादो को? टिकट्स लो और चुपचाप जाके बैठो, कोई शरारत नहीं। ओके आनी। मैं तो आने की बात सुनता हूँ। तो मैं भी तो मानती हूँ। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आ गई, मेरे तो बस के थे ही नहीं। शुक्रिया बेटा तुमको। अरे मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। वैसे पहले इब्राहिम और आलिया बहुत लेकर आते थे बच्चों, लेकिन अब उन लोगों के पास वक्त ही नहीं। चलें कोई बात, हम है ना हम ले आया करेंगे।
उन्हें तंग करने की जरूरत नहीं। एक बात तो बताओ, तुम्हें कैसे पता कि इब्राहिम हमारे साथ आएगा? बस मेरा दिल कह रहा था कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। इब्राहिम खुद कहाँ रह गया? कहाँ गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप ही के घर गए थे और मुझे बताया भी नहीं। किसने कहा तुमसे? मेरी आप ही से बात हुई थी। झूठ बोलने लगे हैं अब आप मुझसे। पहले तो कभी ऐसे नहीं छुपाया। आखिर क्या होता जा रहा है आपको? अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ मैंने तुमसे छुपाया है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि मुझे कुछ हो गया। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। नहीं, आपके साथ कोई ना कोई मसला जरूर है जिसे आप छुपा रहे, शेयर नहीं कर रहे आप। क्या बात है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है? अच्छा ठीक है, ऐसा फिर क्या करूं बताओ मुझे। देखा, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप मुझसे? इससे पहले तो कभी इस तरह बात नहीं की। अब क्या होता जा रहा है? क्या बात है? कुछ नहीं छुपा रहा, गलत फहमी हो गई है तुम्हें। फवाद, आपके लिए बेहतर होगा कि आप खुद मुझे सब कुछ बता दें, वरना मुझे आप ही को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे इसके लिए आपकी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो आपकी बहन है ना, तो मेरी भी वकील है वो। मुझसे तो सब कुछ छुपा सकते हैं आप इसे कैसे छुपाएंगे? मैं आपके सामने खड़ा हूं। सामने होते हुए भी आप बहुत दूर हैं। क्या आप नाराज हैं मुझसे किसी बात पे? आपसे किसने कह दिया कि मैं आपसे नाराज हूं? 2 दिन हो गए आपने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की।
यहाँ तक कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे। आप ख्वा मख्वा अपने आप को कसूरवार ना कहें। आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं कुछ मसलों में उलझा हुआ। तो फिर ये बेरुखी का बर्ताव, ये अजनबियत से खत्म कर दी। जब आप मेरे साथ ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है जैसे मैं इस भरी दुनिया में अकेली रह गई। अच्छा ठीक है, मैं आपसे अपने रवैये पर माजरत करता हूँ। आई एम सॉरी। आप मुझे बताएं आप किस वजह से परेशान हैं? बस कुछ ऑफिस के इश्यूज हैं, बता नहीं सकता। अच्छा चले आए, अम्मी और बच्चों के पास चले आए। चले रह गए ये लोग, नहीं देर हो गई है। फोन भी नहीं मिल रहा। देखें क्या खाएंगे। आलिया की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं। किसका फोन है? फोन किसी का नहीं है। आलिया की मिस कॉल्स आई थी लेकिन मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई है। एनीवे कोई बात नहीं, चले। बताइए सर मैम क्या खाएंगे आप लोग? पापा मैं तो चिकन खाऊंगी। ओके, आयान आप क्या खाएंगे? जो आनी मंगवाएंगी मैं भी वही खाऊंगा। अच्छा तो आप क्या खाएंगे? आप जो भी अपने लिए मंगवा रहे हैं बस वो हमारे लिए भी मंगवा दें, मैं और आयान साथ खा लें। ओके तो दिस पुट्स मी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। चलें एक काम करते हैं, ब्रोस्ट। ब्रोस्ट कैसा रहेगा? अच्छा। गुड। अम्मी आपके खाएंगी। फिश बिरयानी मंगवा दो मेरे लिए। फिश बिरयानी ठीक है। अभी एक्सक्यूज मी कैन यू टेक द ऑर्डर प्लीज? जी सर। बेटा आलिया के लिए जरूर पैक करा लेना। जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स जी। अच्छा भाई आप दोनों बताइए आज आप लोग का दिन कैसे रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? पापा यू आर सो बोरिंग। आई नो। तो चले मैं आपको कोई एक जोक सुनाती हूँ। सुनाओ। नॉक नॉक। हू इज देयर? हू हू। एक और। Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. सो गई थी जी, आ गए आप लोग? हाँ बेटा। बच्चे कहाँ हैं और इब्राहिम? बच्चे तो सोने के लिए कमरे में चले गए, इब्राहिम मेरी दवा लेकर आ रहा है। बहुत देर नहीं करती आप लोग ने आने में? तुम्हारे बच्चे तो आने को तैयार ही नहीं थे, असल में इतने दिनों के बाद तो निकले थे वो घर से, फिर वापसी में खाने की जिद करने लगे, उसमें देर हो गई। आप लोग ने खाना भी खा लिया? बच्चे जिद जो कर रहे थे खाने की तो खाना पड़ा, तुम्हारे लिए भी लाए, गरम गरम है, जल्दी से खा लो। अम्मी ये आपकी दवाइयां। आई एम सॉरी आलिया, मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी इसलिए मैं तुम्हारा फोन रिसीव नहीं कर पाया, नहीं कर सका। हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारी चार्जिंग क्यों खत्म हुई। अरे तुम कैसे जानती हो भाई, चार्जिंग तो कभी भी खत्म हो सकती है। अम्मी आप जाइए ना, जाके आराम कीजिए। ठीक है बेटा, थक भी गई हूँ, नींद भी आ रही है। शब बखैर। तो मुझे पिक करने आना था ना, तो फिर उनके साथ कैसे चले गए? या पहले से तय किया हुआ था? अरे नहीं यार, ऐसा हरगिज नहीं है। वो एक्चुअली माय बॉस इज आउट ऑफ सिटी, तो मैं जल्दी घर वापस आ गया, और मैं तो वैसे भी बच्चों का सोचकर उनके साथ चला गया था। झूठ बोल रहे हो मुझसे। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगा मेरी जान? तुम्हें मेरा यकीन करना होगा क्योंकि तुम मेरा यकीन हो। कैसे कर लूं यकीन? आज से पहले तुमने ऐसी हरकत की भी तो नहीं। पहली बार गलती समझकर माफ कर दो, आई एम सॉरी। दोबारा तो नहीं होगा? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब चलो ना यार, भूख लगी, कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने भी खाना नहीं खाया। तुम्हें पता है मैं ना आज बहुत डर गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे। भाटिया तुम वकील हो, वकीलों से तो शैतान भी डरता है, अब अगर तुम डरोगी तो शैतानों का क्या होगा? मजाक नहीं करो ना, तुम समझ नहीं रहे इब्राहिम। मुझे नहीं समझना है, अभी भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को ला दो यार। जो मेरे लिए बचा कर लाया हो ना वही खा लो ना। ठीक है पानी पी लेता हूँ।